संगम सेवालय संस्था द्वारा विश्व गौरैया संरक्षण दिवस मनाया गया। इस मौके पर बताया गया कि गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और हमारे आसपास में सबसे अधिक गौरैया पक्षी ही पाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। आज हमें इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि हमने अपने आसपास के पेड़ काट दिए हैं। हमें अगर इनको बचाना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा, तभी हम गौरैया जैसे पक्षी को बचा पाएंगे। इस मौके पर सभी ने शपथ ली कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, गौरैया को पीने के लिए पानी के पात्र भी टांगेंगे, साथ ही उनके लिए घोंसले भी रखेंगे। लेकिन आज क्या है, जो रेडिएशन है और जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं उनके कारण का प्राकृतिक आवास खत्म हो गया है, जिससे ये खत्म हो रहे हैं। लेकिन मेन इनका कारण है, इनका कारण था जो जो कीड़े लगते थे फसलों में उनको खाती थी और उसके खाने के कारण क्या होता है, फसल की भी रक्षा करती थी। लेकिन इनके काम को केमिकल के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा खत्म कर दिया गया। वो पेस्टिसाइड खाती है और जिससे इनकी संख्या खत्म हो रही है। तो हमारा उद्देश्य होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जब हमने जो बिल्डिंग बनाई थी यहाँ पर एक भी चिड़िया नहीं थी, कोई भी चिड़िया, तो हमने धीरे धीरे यहाँ पे दाना पानी रखना शुरू किया और आज हमारे यहाँ कम से कम 100 से 150 चिड़िया है। साथ ही साथ अगर आप चिड़िया को बचाना चाहते हैं तो आपको पेड़ लगाना चाहिए। अगर आप पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो इनका आशियाना पर... आज जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है और गौरैया संरक्षण दिवस का 2010 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारी गौरैया जो विलुप्ति की कगार पर है उसको संरक्षित करने के लिए गौरैया विश्व गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आज संगम सेवालय ने गौरैया संरक्षण के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें हमारे समक्ष मुख्य अतिथि और अतिथिगण पधारे और मुख्य श्रोता के रूप में भी कई लोग आए, जिन्होंने अपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और उनने हमें यह जानकारी दी। और हमारे स्कूल के विद्यालय के बच्चों ने भी गौरैया के लिए घोंसले बनाए हैं और इस सेमिनार में उनने अपना योगदान दिया है और सारे बच्चे यहाँ एकत्रित हुए, जिन्होंने हमारे वक्ताओं के विचार सुने और यह समझा कि हमें गौरैया को किस तरीके से संरक्षित करना है और हमें गौरैया के लिए किस तरीके का वातावरण बनाना है, क्योंकि गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो हमारे मनुष्य के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है और हमारे परिवेश में ढल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण आ गए हैं जिनसे यह पक्षी विलुप्ति की कगार पर जा रहा है और उसके लिए जैसे कि प्रदूषण है या कीटनाशकों का प्रयोग है, ऐसे कई कारण हैं जिनसे गौरैया विलुप्ति की कगार पर है। तो हम सब ने इस गौरैया पक्षी को संरक्षित करने के लिए ही यह एक अभियान चालू किया है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कई घोंसले लगे हुए हैं और संगम सेवालय जगह जगह घोंसले लगवाता है और चिड़ियों के लिए सकोरे रखवाता है। तो यह अभियान हमारा चल रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पक्षी है विलुप्ति की कगार पर है तो ये विलुप्त ना हो और गौरैया हमारे आंगन में यूं ही चहचहाती रहे।